क्यों जी, अभी तक बैठ के आप तंबाकू पी रहे हैं? क्यों, क्या करूँगा? क्या जी, आज पूजा है ना, मंदिर में जाना है पूजा करने के लिए, तो फिर क्या नहीं जाइएगा क्या, बताइए। उफ, राज्य कार्य समाप्त कर अभी तंबाकू पीने बैठा था। यह लो, अब पत्नी के साथ शिव मंदिर जल चढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा, यह मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं जाइएगा मंदिर? हाँ हाँ, क्यों जाइएगा आप मंदिर, बच्चे तो सिर्फ मेरे ही है, आपके नहीं, तो जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। आप सिर्फ बैठ के घर में तंबाकू पीजिए। यह लो, घर में रोना धोना शुरू हो गया। अच्छा 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 अच्छा, मत रो, चलता हूँ, चलो। बतासी आ जल्दी। हाँ माँ, आ रही हूँ। चलिए माँ, मैं तैयार हूँ। अरे कितना भीड़ है मंदिर में, सब कतार में खड़े हैं। इतना भीड़ देख के लग रहा है कि मंदिर में पूजा करने में पूरा शाम हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, सुबह से उपवास हैं। ओहो, अब समझा तुम लोगों को भूख लगी है। आप ठीक बोल रहे हैं, भूख लगा है। आप तो राजा के बहुत ही प्रिय हैं, तो फिर कुछ कीजिए ना, ताकि हम लोग जाके मंदिर में जल्दी से पूजा कर ले, जाइए ना। ठीक है, आओ मेरे साथ, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। गोपाल, अरे गोपाल, रुको, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? क्यों, मंदिर में? साथ में वह कौन है? कौन है? मेरी पत्नी है, साथ में मेरी दासी बतासी है। राजा के साथ रहते रहते लगता है तुम नीचे देखना ही भूल गए हो। घुमा फिरा के बातें ना करके साफ साफ बोलिए, क्या बात है? तुम्हारे साथ में जो कुत्ता है, क्या वह तुम्हारा पालतू है? दूर दूर गले के कुत्ते, भागो यहाँ से। है, 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 भागो भागो, दूर दूर, अजीब कुत्ता है, खदरने से भी नहीं जाता है। अरे भाई, तुम जितना भी क्यों ना छुपाओ, मैं सब समझ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्या समझे मेरे भाई? यह जो कुत्ता है पालतू है, अच्छा है अच्छा है। तुम कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गाय बकरी, हाथी घोड़ा, यहाँ तक कि बाघ भी पालो। अरे भाई, तुम्हारे पास पैसे हैं, जीव जंतु नहीं पालोगे तो और क्या करोगे? किंतु इसका क्या मतलब, कुत्ता लेकर मंदिर में आओगे? ठीक है ठीक है, तुम ब्राह्मण नहीं, मान लिया तुम नाई हो, किंतु हिंदू तो जरूर हो। इतना भी नहीं जानते कि कुत्ता लेकर मंदिर में नहीं आना चाहिए, उससे मंदिर अपवित्र होता है। क्या आश्चर्य है, बोला तो, यह कुत्ता मेरा नहीं है। कुत्ता तुम्हारा नहीं है? ना। तुम्हारा अगर नहीं है तो तुम्हें देखकर अपनी पूंछ क्यों हिला रहा है? कुत्ता तो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब तुम ही उसके मालिक हो। अतः मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ, तुम अपने कुत्ते को मना करो, वह तुम्हारे साथ मंदिर न जाए। ओ, मैं तो देखता हूँ कि आप कुत्ते के पीछे पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब यह कुत्ता आपका मालिक है। तो पंडित जी, आप मेरी ओर ध्यान ना देकर अपने स्वामी को पहले क्यों नहीं संभाल रहे हैं? हाँ, चलो लक्ष्मी, चलो चलो रे बतासी, फालतू बातों में बहुत समय बीता, चलो चलो चलो। अरे इतनी बड़ी बात, कुत्ता मेरा स्वामी है, इसका मतलब मैं कुत्ते से भी अधम हूँ। ठीक है, मैं इसी समय महाराज के पास शिकायत लेकर जाता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपके इस बात का मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं हो, आप मेरे साथ मंदिर चलिए, अगर विश्वास ना हो तो आप मंदिर में जाकर सबसे पूछिए। सुनिए सुनिए महाराज, यह सब आप ही के कारण हुआ है। आप प्रत्येक कार्य के लिए केवल गोपाल गोपाल करते हैं, इसी का लाभ उठाकर गोपाल पूरे राज्य में जोर शोर करते रहता है और आपको पता ही नहीं चलता। गोपाल के कारण अगर जनता द्वारा कोई विद्रोह शुरू हो जाए तो हम लोगों को मत कहिएगा, समझ गए महाराज? यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई सेनापति। जो आ गया महाराज। इसी क्षण गोपाल को बंदी बनाकर लाओ। जो आ गया हो महाराज। सच में रानी माँ, आप इतनी सुंदर दिख रही है ना कि आपके ऊपर से नजर हटी नहीं रही है। ठीक है, बकवास बाद में करना, पहले मेरे बाल बांध दो। क्या रानी माँ, कैसी बात कर रही है? रेशमी साड़ी पहनी है,
गले में सोने की हार, हाथों में सोने की कंगन, इतनी सुंदर लग रही है सब गहनों में, और बोल रही है बाल बांधो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, हम आपके बालों में गजरा लगा देते हैं। ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे वही कर, पर ये याद रखना कि कृष्णनगर की रानी के सामने मैं छोटी ना हो जाऊं। ओ, आप छोटी क्यों लगेंगी, आप तो धन दौलत खूबसूरती से अपना सर गर्व से उठा लीजिएगा। रानी माँ, कृष्णनगर की रानी माँ आपसे मिलने आई है। अरे वो आ गई है, सीमा तुम जाओ उनको सम्मान के साथ लेके आओ अंदर। चंदा, ओ चंदा, आ रहे हैं रानी माँ। आदेश कीजिए रानी माँ। हाथ में गुलाब जल लेके द्वार पे खड़ी रहो, रानी माँ आएंगी तो छिड़कना उनके ऊपर। जैसे आपकी आज्ञा रानी माँ। आइए आइए रानी माँ आइए। अरे अरे रुको रुको, ये क्या छीट रही हो, क्या हुआ क्या हुआ, ये तो गुलाब जल है, ताजे ताजे गुलाब जल है, समझी सखी। गुलाब जल इतना गंदा बदबू क्यों दे रहा है, गंदा सुगंध, सड़क गला बदबू दे रहा है ना। नहीं मेरा मतलब, हाँ वो क्या है ना, बहुत दिन का इत्र है ना, इसीलिए ऐसे गंध दे रहा है। हम लोगों के देश में एक इत्र बनाने वाला एक इंसान है, सच में बहुत ही आश्चर्य वाली इत्र बनाता है, जितना पुराना होगा उसका उतना ही सुगंध बढ़ेगा। हाँ ऐसा है क्या सखी, वो कैसे गुलाब का रहता है इत्र? गुलाब? ए क्या गुलाब, नहीं गुलाब का इत्र तो सभी बनाते हैं, पर हम लोग के देश में घास फूल का बनता है इत्र। घास फूल का इत्र क्यों नहीं हो सकता बहन, जिस फूल का इतना सुंदर गंध हो, सोचो उसके इत्र का कितना सुंदर गंध होगा। हो सकता है। चलो चलो हम लोग बगान में चलते हैं। चलो फिर। देखो सखी, बड़ा ही चिंता हो रहा है। क्या चिंता हो रहा है, संदूक में मैं गहना और हीरा ऐसी रखा हुआ था, यहाँ पे आने की जल्दबाजी में संदूक में ताला लगाना ही भूल गई। ओ मुझे भी एक बात याद आ गई तुम्हारी बात से। कैसी बात बहन, ये देखो हीरे बैठाया हुआ सोने की हार, कैसा है बताओ तो। ओ ठीक ठाक है, इतना बड़ा हीरा कोई आँख से देखा है क्या कभी? हाँ सखी, हीरा ही है ना कि कुछ और है? क्योंकि क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं क्योंकि थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। कितने तोले का है? 70 तोले का। मेरे पति एक हीरे का 140 तोले का हार बना दिए थे, ठीक इतना बड़ा। और हाँ एक कितना आश्चर्य हीरे वाला था, जिस घर में उन दोनों हीरो को रख देते थे उस घर में कुछ जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बाप रे बाप, हीरे का इतनी रोशनी। हाँ हाँ और नहीं तो क्या, बोल क्या रही हूँ मैं उमा, ना आश्चर्य है तुम तो, क्या ये क्या पहनी हो तुम, ऐसा कंगन तो मेरे घर के दासियाँ पहनती हैं हम लोग के राजमहल के। ओ प्रणाम महाराज, गोपाल को बंदी बनाकर ले आया महाराज। गोपाल तुम क्या इस ब्राह्मण को कुत्ते से भी नीच बोले हो? छी छी महाराज, क्या मैं ऐसी बात बोल सकता हूँ? हाँ क्या मैं अभी झूठी बात कह रहा हूँ? वास्तव में क्या घटना घटी थी पंडित जी? आज दोपहर में गोपाल अपनी पत्नी और दासी को लेकर मंदिर गया था। कुत्ता जब तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है तो इसका मतलब तुम उसके स्वामी हो। ओ, मैं तो देख रहा हूँ आप कुत्ते के पीछे पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब आपके कथनानुसार कुत्ता आपका स्वामी है। गोपाल यह बात क्या सत्य है? जी महाराज सत्य है, इसी क्षण तुम राज्यसभा से बाहर निकल जाओ। जो आज्ञा महाराज। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। गोपाल को कैसे बेवकूफ बनाया बोलो तो।
अरे मैं तो जानता हूँ हमारे महाराज बहुत ही डरपोक हैं, इसीलिए राजद्रोह की बात सुनकर बस अब तो दोनों हाथों में लड्डू है। इसका मतलब आज से गोपाल का राज्यसभा में आना एकदम बंद हो गया। इसके बाद अब जो भी पुरस्कार मिलेगा हम पाएंगे। यह तो बहुत खुशी की खबर है भाई। चलो चलो अब घर वापस चलते हैं। हाँ, 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 चलो चलो। क्या बात है रानी, इतना चुपचाप, मुंह कैसा भारी भारी लग रहा है? आपके सहेली की सेवा में कुछ कमी हुई क्या? ना। तो सहेली की विदाई के समय नहीं आया इसलिए क्रोध? ओ भी नहीं। तो फिर क्या कारण है, स्पष्ट कहिए तो मैं सुनूं। सखी के राज्य में सब कुछ आश्चर्य वाली वस्तु है, आश्चर्य वाले इत्र, आश्चर्य वाले हीरा और बहुत कुछ। ऐसा है क्या? क्या हम लोगों के राज्य में कोई आश्चर्यजनक वस्तु है? नहीं है तो क्या है, जरा सुनू। स्वयं में मतलब इतने बड़े राज्य की रानी हूँ मैं, और मैं ही दासियों जैसा कंगन। दासियों का कंगन? अच्छी तरह नहीं समझ पाया, स्पष्ट बात बताइएगा हमें। तो आज सुबह ना सखी आई थी तो बोल रही थी, दिख रहा है कितने तोले का है, 70 तोले का। मेरे पति एक हीरे का 140 तोले का हार बना देते, ठीक इतना बड़ा। और हाँ, एक कितना आश्चर्य हीरे वाला था जिस घर में उन दोनों हीरो को रखते। तब तो बड़े शर्म की बात। कुछ भी हो जाए, इस शर्मिंदे से मुझे बचाइए, मैं आपकी स्त्री हूँ, मुझे बचाइए। ठीक है, इस संबंध में कल ही मैं राज्यसभा के सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर कोई उपाय निकालूंगा। यही बात है, इसके बाद अब आप लोग ही बताएं, मैं अभी क्या करूं, किस प्रकार से अपने राज्य और अपने रानी के सम्मान की रक्षा करूंगा। महाराज, हम लोगों के वैद्य जी के पास एक आश्चर्यजनक मलहम है, यही दिखाइए ना। आश्चर्यजनक मलहम? वो क्या है? महाराज, उस मलहम के लगाने से शरीर की पीड़ा और सारी वेदना तुरंत दूर हो जाती है। अरे छोड़ो तो, मगध की रानी 70 वर्ष की वृद्धा है ना क्या? रानी क्या पीड़ा के कारण बिस्तर पर सोई पड़ी है? वह क्या इतनी पीड़ित है कि उनके रोग निवारण के लिए हम लोगों को यहाँ से विचित्र मलहम भेजना होगा? तो मोती की हंसी दंत मंजन। मगध की रानी हमेशा पान खाती है क्या? और पान खाने के कारण ही उनके दांत इमली के बीज जैसे हो गए हैं। क्या आप लोग जानते हैं, वह मंजन इस्तेमाल करने से उनके दांत मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। महाराज, ये लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। इन लोगों के द्वारा ना तो कोई काम हुआ है और ना तो कभी होगा। आप गोपाल को बुलाइए, हो सके वह इस समस्या का कोई समाधान बताए। लेकिन उसके सभा में आने से प्रजा के द्वारा कोई विद्रोह हुआ तो? वह अगर इस राज्य और रानी माँ के सम्मान की रक्षा करे तो प्रजा के विद्रोह को भी शांत कर सकता है। ठीक है कवि श्रेष्ठ, जो इच्छा। सेनापति, विदूषक गोपाल को ससम्मान राज्य सभा में ले आओ। जो आ गया कवि श्रेष्ठ। ओ, यह बात है, इस समस्या का समाधान तो बिल्कुल ही सरल है महाराज। तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई गोपाल, तब तो तुम्हारी रानी माँ मगध की रानी को आगामी पूर्णिमा को आने के लिए आमंत्रित करेंगी। क्या हुआ सखी, तुम्हारे राज्य के आश्चर्य वाली व्यक्ति, आश्चर्य वाली वस्तु कहाँ है, आ रहा है? अरे छोड़ो तो नाई भाई, वह आएगा कैसे, उसकी हालत ऐसी है कि महाराज की खुशामद किए बिना उसके घर हाड़ी नहीं चढ़ती। फिर उसके पास ऐसी आश्चर्य वस्तु है कि जिसके सामने दिल्ली के सुल्तान की संपत्ति भी तुच्छ है। महाराज, आप यही सुनकर दंग रह गए। ओह, चुप रहो।
प्रणाम महाराज। ओह, इतनी देर क्यों? तुम्हारे लिए अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ चलिए चलिए। महारानी, राजा जी आ रहे हैं। ओ रहे, आ गए हैं। रानी देखिए, ये आ गए। देखिए सखी, यही है आश्चर्य वाली व्यक्ति। मनुष्य जैसा ही तो देखने में है, तो आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य इसका दिमाग है। नाम गोपाल, महाराज कृष्ण चंद्र का विदूषक हूँ। तो आश्चर्य वाली वस्तु का? बहुत समय पहले ढक्कन से बंद यह पात्र एक सन्यासी ने मेरे पिताजी को दिया था। पात्र खोलते ही आपको इसमें एक भस्म दर्पण दिखेगा। उस समय आप जिसे भी याद करेंगी उसे इस दर्पण में देख पाएंगी। जरा दिखाओ। कहाँ, कुछ तो नहीं दिख रहा इसमें। देखेंगी, जरूर देखेंगी। अच्छी तरह देखिए, अवश्य देख पाएंगी। लेकिन जो झूठे और ईर्ष्यालु हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो क्या रानी माँ, अब आप कुछ देख पा रही हैं या नहीं? हाँ, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। ओ रहे महाराज, खाना खाने बैठे हैं और साथ में पुत्र भी है। अरे बाप, पुत्र तो? तो फिर बताइए रानी माँ, आश्चर्य वस्तु है कि नहीं? हाँ, बहुत ही आश्चर्य वाली वस्तु है। आश्चर्य वाली लोक का आश्चर्य वाली वस्तु। लो अपना पात्र। अच्छा ठीक है, देख ली। चलो अब कुछ खा पी लेते हैं। हाँ चलो चलते। तो गोपाल, उस बर्तन में क्या है? भात के माड़ में गाय का गोबर मिला है महाराज। देखिए तो, फिर भी वह कितनी आश्चर्य वस्तु है। कैसे? वाह, इस भस्म दर्पण में रानी अगर किसी को नहीं देख पाती तो वह मिथ्यावादी और ईर्ष्यालु कहीं जाती। इसलिए अपनी मर्यादा बचाने के लिए सैकड़ों योजन दूर बैठे महाराज और युवराज को इस भस्म दर्पण में देखने की बात स्वीकार की। तो आप ही बताइए, दूर की चीजों को निकट में देखना या बिना आश्चर्य वस्तु के संभव है? इसका मतलब गोबर के माध्यम से लोगों को ठगा गया है। अरे छोड़ो तो अपनी ठीक बेठीक बात। घास के फूल से अगर इत्र तैयार हो सकता है तो गोबर भी भस्म दर्पण हो सकता है, जिसमें दूर की वस्तुएं पल भर में प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी। क्या महाराज, यह ठीक बात है ना?